हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके चैनल सक्सेस मीटर में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर की जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, जो कि है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। इसमें हमारा यूनिट फर्स्ट किससे रिलेटेड है? पैरासिटोलॉजी से। तो पैरासिटोलॉजी में हमने पैरासाइट, होस्ट, टाइप्स, इन पैरासाइट के और होस्ट के जो टाइप्स हैं, जो काइंड्स हैं या क्लासिफिकेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले स्टडी कर ली है। और ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया और बुचेरेरिया, इन तीन पैरासाइट्स के बारे में भी हमें पढ़ना था, जिसमें से ट्रिपेनोसोमा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जियार्डिया, जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें भी हमें सेम चीज़ें ही कवर करनी हैं जो हमने ट्रिपेनोसोमा में कवर किया था, जैसे इसका स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, डिजीज, काजेस, सिम्टम्स और कंट्रोल। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट करें। इससे पहले आइए देख लेते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। जियार्डिया का क्लासिफिकेशन फाइलम किससे रिलेटेड है? मेटामोनाडा से। ऑर्डर है डिप्लोमोनाडिडा से। फैमिली है हेक्सामिटिडी। जीनस है जियार्डिया और स्पीसीज है लैमलिया। हम यहाँ जिस पैरासाइट को पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? हमारा स्पीसीज लैमलिया। किसका? जियार्डिया का। ठीक है, जियार्डिया पैरासाइट का नाम है, उसकी स्पीसीज कौन सी पढ़ेंगे? लैमलिया। यहाँ हमने हेडिंग डाला है जियार्डिया ड्यूडेनालिस और यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं लैमलिया। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो है नाम एक ही पैरासाइट का है, यानी कि जैसे एक ही मनुष्य के दो या चार नाम होते हैं, उसी तरह इस पैरासाइट का भी तीन नाम है। तीन अलग अलग नामों से इसको बुलाया जाता है, जियार्डिया ड्यूडेनालिस, जियार्डिया लैमलिया या फिर जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। इंटेस्टाइनल्स इसलिए क्योंकि इंटेस्टाइनल ये डिजीज है, फैलाता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल्स ऑर्गेनिज्म है जो कि जियार्डियासिस नामक डिजीज को फैलाता है, इसलिए इसका नाम है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। लैमलिया स्पीसीज है ही। ड्यूडेनालिस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ड्यूडेनम के थ्रू इसका टेस्ट किया जाता है। एक जिलेटिन कैप्सूल होती है जिसको जो है स्ट्रिंग से बांध के क्या करते हैं, माउस के थ्रू अंदर डालते हैं, ड्यूडनम तक पहुंचाते हैं। उसके एक स्ट्रिंग को चीक से कनेक्ट करते हैं और दूसरी स्ट्रिंग जो है वो जिलेटिन के कैप्सूल में पैक रहती है। तो जैसे जैसे ये कैप्सूल घुलती जाती है, वो स्ट्रिंग अपने आप अनकॉइल्ड होती जाती है और अनकॉइल्ड होते होते वो जो है ड्यूडनम तक पहुंच जाती है। ड्यूडनम में पहुंचते ही वहाँ के जो फ्लूड है वो उससे वो पूरे फ्लूड में भीग जाती है। जैसे ही वो भीगती है तो उस चीक से कनेक्टेड स्ट्रिंग को धीरे धीरे निकाल लेते हैं और उसमें जो लगा हुआ फ्लूड है उसको फिर माइक्रोस्कोप में रखकर ये हम टेस्ट करते हैं कि जिस ड्यूडेनम से ये लिया गया है उसके अंदर जियार्डिया के पैरासाइट हैं या नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है जियार्डिया ड्यूडेनालिस। और इंटेस्टाइनलिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंटेस्टाइनल डिजीज फैलाता है। ठीक है, तो ये दो नाम क्लियर हो गए। तीसरा नाम है लैमलिया। लैमलिया ये स्पीसीज का नाम है, तो ये आप याद रख लो कि आसान है, याद हो जाएगा। क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा कि फाइलम मेटामोनाडा से ये कनेक्टेड है। ऑर्डर इसका है डिप्लोमोनाडिडा। फैमिली है हेक्सामिटिडी। जीनस है जियार्डिया और स्पीसीज है लैमलिया। इसका स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? पियर शेप्ड, देखने में ही लग रहा है पियर शेप्ड। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? राइजोप्लास्ट होता है जो न्यूक्लियोलस को कनेक्ट रखता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस के अंदर ही न्यूक्लियस होता है। चारों तरफ इसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिसको हम बेसल ग्रेन्यूल कहते हैं। ओके, फिर एक नीचे की तरफ आने पर यानी एंटीरियर एंड की तरफ में ये पाया जाता है पैराबेसल बॉडीज, जिससे फ्लैजिला अटैच रहता है। ये फ्लैजिला जिससे अटैच होता है, बेसल बॉडीज जहाँ पे होती है उसको बोलते हैं एक्सोस्टाइल। एक्सोस्टाइल के एंड में होता है बेसल ग्रेन्यूल्स जो कि आपस में फ्यूज रहते हैं और पूरा स्ट्रक्चर एक तरीके से मिलकर कैसा बनाता है? पियर का शेप्ड दे देता है। तो ये पियर शेप्ड बॉडी जो होती है किसकी? जियार्डिया की। इसको हम बोलते हैं ट्रोफोजॉइट। और इसका जो सिस्ट फॉर्म होता है, यानी ये दो फॉर्म में ये जो है पैरासाइट मिलते हैं पूरे लाइफ साइकिल के दौरान। जब हम इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे तो इसमें ये सिस्ट और ट्रोफोजाइट दो ही फॉर्म इसके देखने को मिलते हैं। ट्रोफोजाइट क्या है? हमारा मैच्योर्ड फॉर्म है और सिस्ट फॉर्म इमैच्योर्ड फॉर्म है।
तो ये सिस्ट फॉर्म जो है कब डेवलप करता है, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तब। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके लाइफ साइकिल की तरफ। यहाँ है लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया। लाइफ साइकिल जियार्डिया का इंटेस्टाइनल डिजीज है, तो मनुष्य के इंटेस्टाइन से ही शुरू होगा और वहीं पे इसकी एंडिंग होगी। देखिए, ये जो बीमारी फैलाता है वो हो जियार्डियासिस, और इसके थ्रू होता क्या क्या है ये आपको पहले ही पता है। फर्स्ट वीडियोस में ही ये डिक्लेयर किया गया था कि इसके थ्रू पेट फूलना, गैस, अपच, बदहजमी, ये कह लीजिए कि खाना जो है अच्छा ना लगे, यानी खाने में अरुचि हो जाना, और इस तरह की बीमारी जो है देखने को मिलती है, पेट में दर्द, अत्यधिक मात्रा में गैस बनना। तो ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? जियार्डिया से। और ये इंटेस्टाइन में रहने वाला पैरासाइट है जो इंटेस्टाइन में रहकर ही डिजीज फैलाता है। तो इसका जो है लाइफ साइकिल जो स्टार्ट होता है वो डेफिनेटली मनुष्य के इंटेस्टाइन से, ड्यूडेनम में होकर इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट होता है। होता क्या है कि मान लीजिए कोई मनुष्य है जो क्या हो, जियार्डिया पैरासाइट से इन्फेक्टेड है, ठीक है, और उसने क्या किया है, कहीं पे बाहर में खुले में मलमूत्र का त्याग किया हो, एक्सक्रीट किया हो, तो उसके जो पैरासाइट हैं उसके थ्रू उन फेसेस में पहुंचे हुए होंगे। उन फेसेस पे जो है मक्खियां बैठेंगी या जो भी कुछ इंसेक्ट छोटे मोटे पहुंचे, और वो क्या करें, उसके कण लेकर कहीं खुले भोज्य पदार्थों पर जाकर बैठ गए। तो फिर क्या करेंगे, उसके इंसेक्ट वहां तक पहुंचेंगे। वो पैरासाइट खुले हुए भोजन के थ्रू जैसे ही हम उस पे पहुंचे हैं, उसको हमने ग्रहण कर लिया, तो खुले हुए जो भोज्य पदार्थ हैं वो क्या होंगे, फिर वापस से मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये एक तरीके से क्या है, ऐसी बीमारी है जो गंदगी ज्यादा होने पर, यानी साफ सफाई का ध्यान न रखने पर, स्वच्छता का जहाँ अभाव हो वहां पर इस जियार्डिया के पैरासाइट का पनपने का पूरा चांसेस होता है। यानी 90% ऑफ केसेस ऐसे देखने को मिलेंगे जियार्डिया के, जहाँ पे ये कहाँ, मतलब ऐसी जगह से शुरू हुए होंगे जहाँ गंदगी अत्यधिक मात्रा में देखने को मिली होगी। स्वच्छता का अगर ध्यान नहीं रखेगा मनुष्य तो क्या होगा, आसपास जो है ये जियार्डिया के पैरासाइट फैलेंगे ही। कुछ रूरल एरियाज में देखा जाए तो कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको मनुष्य क्या करता है, अपने घर के दरवाजे पे ऐसे बांध के रखता है, जिनकी वजह से भी क्या होता है, आसपास गंदगी इकट्ठा होती जाती है, तो उस गंदगी से भी ये पैरासाइट जो है ग्रो कर जाते हैं। तो होता क्या है कि इसके जो सिस्ट फॉर्म है ये मनुष्य के इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एक पैरासाइट है, ठीक है। पहुंचता कैसे है, मान लीजिए कहीं इसका सिस्ट फॉर्म है जो इसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिली तो ये क्या होगा, एक्टिव स्टेट में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट होता है तो खुद को बाइनरी फिजन के थ्रू या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे संख्याओं में वृद्धि करता जाता है। फिर धीरे धीरे वो जो है अपने आप को लार्वी फॉर्म से सिस्ट फॉर्म में, सिस्ट फॉर्म से जो है मैच्योर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाता है। और जैसे ही ये मैच्योर्ड फॉर्म में पहुंचता है तो मैच्योर्ड फॉर्म वाला पैरासाइट ही इन्फेक्ट करता है किसको, ह्यूमन बॉडी को या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स को। इनकी कंडीशन क्या है, ये ठंडे जल में यानी ठंडे पानी में काफी समय तक ग्रो कर सकते हैं, रह सकते हैं अत्यधिक मात्रा में, ठीक है। तो जहां बहुत ज्यादा ठंडा होगा, ठंडा प्रदेश होगा और गंदगी अधिक मात्रा में होगी, वहां पे इसके पैरासाइट ग्रो करेंगे। यहाँ लाइफ साइकिल में दिया है क्या, इंसिस्टेशन हो रहा है इनएक्टिव स्टेट से, यानी कि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला जो इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला जो पैरासाइट है वो सिस्ट फॉर्म से एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू या बाइनरी फिजन के थ्रू ये संख्या में बढ़ते जाते हैं, संख्या में बढ़ते जाते हैं। उसके बाद अपने आप को जो है सिस्ट, जब कोलोन की तरफ जाते हैं तो अपने आप को सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी चारों तरफ एक आवरण से घिर जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन कब मिलेगी, जब हम क्या करेंगे, दूषित जल या भोजन को ग्रहण करेंगे, तो उसके जो गंदगी के कण हैं वो इस सिस्ट को क्या करेंगे, वॉल को डिजोल्व कर देंगे। ऐसे वॉल डिजोल्व हो जाएगी और डिजोल्व होते ही इसके जो न्यूक्लियाई है,
ये जो न्यूक्लियाई है ये कई भागों में डिवाइडेड हो जाएगी, और डिवाइड होने के बाद वो ढेर सारे पैरासाइट का निर्माण कर लेंगे या फिर पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। तो जैसे ही ये जो है सिस्ट जो है अपने चारों तरफ से सिस्ट वॉल को डिजोल्व कर लेते हैं और उसके बाद ग्रो करना स्टार्ट करता है, तो फिर वापस ये जो है संख्या में बढ़ते जाते हैं। बढ़ते जाते फिर क्या करेंगे, इंटेस्टाइन को छोड़कर बाकी के एरियाज में पहुंचना शुरू होते हैं, जिससे पेट में दर्द, जलन, अपच और खट्टी डकारें आना या फिर जो है अत्यधिक मात्रा में गैस बनना, इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई देना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सिस्ट जो है सरवाइव रह सकते हैं कहाँ पे, हफ्तों से महीनों तक, अंदर ही अंदर जो है हफ्तों से महीनों तक इंटेस्टाइन में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर हम क्या करें, ज्यादा ठंडा खाना, ज्यादा ठंडा पानी पीना शुरू कर दिए और खुले हुए भोज्य पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिए, या फिर दूषित जल या भोजन का जो है हम क्या कर दिए सेवन करना शुरू कर लेंगे, तो वो सब चीजें सिस्ट को क्या करेंगी, फेवरेबल कंडीशन प्रदान करेंगी, जिससे इनका जो है फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा और वो वापस जो है अपने आप को बढ़ाकर पूरे ह्यूमन बॉडी में फैल जाएंगी, फिर अलग अलग बीमारियों को बढ़ाएंगी। मेन बीमारी इनकी शुरू होती है पेट के दर्द से, ज्यादा ज्यादा मात्रा में पेट दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द के बाद फिर क्या होगा, अपच होना शुरू हो जाएगा, भोजन में अरुचि हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फिर गैस बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इनका लाइफ साइकिल है जो एक तरीके से पूरा इसी तरह से चलता रहता है। ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन से शुरू होगा और वहीं पे एंड भी होगी। अगर सही समय पर इसको जो है क्या मेडिसिन लेकर हमने ठीक नहीं किया, तो फिर इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, सिर दर्द, चक्कर, उल्टी और उसके बाद जो है कमजोरी, ये सब चीजें भी आने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये था इसका लाइफ साइकिल। हमने क्या क्या इसमें डिस्कस किया, स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल, जियार्डिया का स्ट्रक्चर, पेयर शेप, बॉडी की लेंथ कितनी, 8 से 20 माइक्रोमीटर तक, इससे ज्यादा नहीं, यानी कि इसको जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा, यानी इसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। ठीक है, लाइफ साइकिल शुरू कैसे हो रहा है, इंटेस्टाइन से ही, यानी कि इंटेस्टाइनल डिजीज फैलाता है ये पैरासाइट, और ह्यूमन इंटेस्टाइन में ही रहकर इसको जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वहां पर वो ग्रो करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, और वापस मल मूत्र के थ्रू जब हम क्या करते हैं, स्क्रीट कर रहे होते हैं, तो इसके थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ज्यादा मात्रा में अगर ये डिजीज फैल जाते हैं, इसके थ्रू होने वाले डिजीज अगर ज्यादा फैल जाते हैं, तो फिर हमें उसके लिए मेडिसिन की आवश्यकता होती है। अन्यथा इसके बचाव का एक ही उपाय है, क्या, कि हम आसपास स्वच्छता रखें, स्वच्छता अपनाएं और खुले हुए भोज्य पदार्थों का सेवन ना करें। ठीक है, पैथोजेनिसिटी में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, क्या कि इसका टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि जियार्डिया की, ये जियार्डिया नामक की एक बीमारी हो गई है जियार्डिया की पैरासाइट के थ्रू। तो ह्यूमन जो फेसेस होते हैं, फेसेस मलमूत्र, ह्यूमन फेसेस के उसमें जो है टेस्ट लिए जाते हैं, छोटा सा उसका सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि उसके अंदर जियार्डिया के सिस्ट हैं या नहीं है। अगर रहते हैं तो इसका मतलब है कि जो पेट दर्द, गैस और ये सब की प्रॉब्लम हो रही है वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, जियार्डिया नामक पैरासाइट। और अगर नहीं रहते हैं तो फिर क्लियर हो जाता है कि इसका रीजन कुछ और हो सकता है। सेकेंड, इसका टेस्ट किया जाता है वही जिलेटिन कैप्सूल के थ्रू, जिसको बहुत ही मतलब ऐसा टेस्ट माना जाता है कि वो टेस्ट क्या है, बहुत ही कारगर होता है। तो जिलेटिन कैप्सूल होती है जिसमें स्ट्रिंग कॉइल होती है, उसका एक सिरा जो है वो चीक से कंट करके रखते हैं, और बाकी जिलेटिन की जो कैप्सूल है उसको मुंह के थ्रू मतलब स्वेलो कराया जाता है, फिर उसको क्या होता है, वो धीरे धीरे पहुंचता है कहाँ तक, ड्यूडिनम तक। तो वहां पे जाकर वो जिलेटिन की कैप्सूल वहां तक जाते जाते डिजोल्व हो जाती है, जैसे ही वो डिजोल्व होगी तो उसकी स्ट्रिंग अनकॉइल्ड हो जाती है और वो ड्यूटेरियम के पूरे फ्लूड तक पहुंच जाती है। तो उस फ्लूड से वो जो है स्ट्रिंग पे वो फ्लूड पूरा चिपक जाता है, वापस उस स्ट्रिंग को निकाल कर फ्लूड को लेकर माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं, फिर पता करते हैं कि उस फ्लूड में सिस्ट है कि नहीं, किसका, जियार्डिया का। तो उससे पता चलता है कि जियार्डिया के पैरासाइट हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं, ज्यादा ग्रो कर रहे हैं या नहीं है, तो उससे होने वाली बीमारी का फिर हम इलाज करते हैं, और या फिर अगर नहीं है तो फिर हम किसी और वजह से, पेट में दर्द है या कोई और वजह है, तो उसकी मेडिसिन लोग देते हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका पैथोजेनेसिटी।
अब डिजीज कौन सा फैलता है? जियार्डियासिस। उसका कारण क्या है? यही पैरासाइट है जियार्डिया लैमलिया। ठीक है, और इसका जो है क्या फिर पता करना था हमें, जियार्डिया का डिजीज हो गया, कॉजेज हो गए, फिर सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं। तो सिम्टम्स भी अभी हमने बता ही दिया, क्या पेट में दर्द होना शुरू होगा, अपच होगा, खाने से अरुचि हो जाएगी, अधिक मात्रा में गैस बनेगा, इस तरह के अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि मनुष्य क्या है, जियार्डिया के पैरासाइट से क्या हो गया है, इन्फेक्टेड हो चुका है। ठीक है, तो इससे कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल करने का मेन एक ही वो है कि हम क्या करें, पानी अगर हम पी रहे हैं तो उसको उबाल कर छान कर पिए, या फिर खुले में रखा हुआ भोजन, भोज्य पदार्थ है या पानी है तो उसको हम ग्रहण ना करें। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ब्रशिंग और टीथिंग के लिए डायरेक्ट टैप वाटर आ रहा है और उससे ही शुरू हो जाते हैं, तो ये करना भी सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें भी जियार्डिया के पैरासाइट मिले हुए होंगे। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अनकुक्ड, अधपका, यानी कि अधपका भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसमें भी ज्यादा चांसेस होते हैं जियार्डिया के पैरासाइट को बढ़ने के। ठीक है, तो आसपास साफ सफाई रखकर, स्वच्छता अपनाकर, खुले हुए भोज्य पदार्थों से दूर रहकर, दूषित जल का प्रयोग न करके हम क्या कर सकते हैं, जियार्डियासिस नामक बीमारी से दूर रह सकते हैं। सिम्टम्स में आपने देखा है कि होल बॉडी में जैसे फैटिग यानी चक्कर आना हो सकता है, लूज ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख में कमी हो जाएगी, अरुचि हो जाएगी खाने से। ठीक है, पेट में दर्द, एब्डोमिन एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द, ये सब होना शुरू हो जाता है, तो वो सब डिजीज का कारण होता है। कौन कौन सी डिजीज का? जियार्डियासिस का। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना है। जियार्डियासिस का स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल क्या देख लिया, डिजीज कौन सी फैलाई, इसमें किस वजह से हुई, सिम्टम्स क्या क्या थे, और इसको रोकने का उपाय हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल दे ही दिया है। इससे रिलेटेड नोट्स जो भी हैं, मैं पहले वीडियोस में कह चुकी हूँ, आज फिर से कह रही हूँ कि इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर ये ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कीजिए, वहाँ सर्च बॉक्स जहाँ बना होगा वहाँ जाकर सक्सेस मीटर को सर्च कर लीजिए, सर्च करके उसके बाद इस चैनल को वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियोस, जो भी वीडियोस यहाँ मिल रहे हैं उससे रिलेटेड नोट्स जो भी हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, इजीली आप तक पहुँच जाएंगे। उसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसको आप फिर चाहो तो पीडीएफ फॉर्म में है, आप लेकर उसको जेरोक्स करा लीजिए, या फिर वापस से हैंड रिटन करके रख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो नोट्स और वीडियोस दोनों आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, और जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आ रहा हो या रिपीट करना हो तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, फिर से बता सकते हैं, मैं वो उसके पे अलग से, अगर कोई ऐसा टॉपिक रह जा रहा है जिसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया है तो वो आप अगर कमेंट में बता देते हैं तो उसके बारे में फिर से एक नया वीडियो बनाकर आपको दे दिया करूँगी। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले जल्द ही दूसरे वीडियोस के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे बुचर एरिया के बारे में। बुचर एरिया क्या है? एक हमारा लास्ट पैरासाइट, इसको कंप्लीट करते ही हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक बुचर एरिया के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।